गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूअर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 10, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। वी आर डिस्कसिंग अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। तो आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि तीन सेटलमेंट का क्या है इस लेसन के अंदर जिक्र किया गया। तो फर्स्ट जो आपकी क्या थी, परमानेंट सेटलमेंट है, वो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो उसकी जो फिफ्थ रिपोर्ट है, ज़मींदारों की सिचुएशन है, वो रेसेसेस्ट कैसे करते थे, वो क्यों रिन्यू देने के लिए क्या है, मतलब अवेलेबल उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं था, किसानों के ऊपर या रैत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, काफ़ी क्या है जो रैत थे वो किस में डेप्ट में आ गए, मतलब रन वगैरह उनको लेना पड़ता था। तो इन सब के कारण क्या है उसके बेनिफिट और क्या है उसके इवल इफेक्ट और बैड गुड इफेक्ट दोनों निकल करके आते हैं। तो आज हम क्या है इसी का एक कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो क्या सही थी या उसके गुड इफेक्ट क्या थे या बैड इफेक्ट क्या थे। तो ये आपको पता है कि कॉर्नवालिस ने क्या है 1793 के अंदर क्या है परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था बंगाल के अंदर। तो कौन थे कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस क्या थे, जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस वार चल रहा था, जो ब्रिटेन है उसने वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ को क्या है अपना गुलाम बनाया है, अपना कॉलोनी बनाया है, और अमेरिका भी उनमें से एक था, जो आज का यूएसए आप जिसको बोलते हो, अमेरिका भी उनमें से एक था। और वो भी क्या है 1789 तक क्या है ब्रिटेन के ही, ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के ही कब्जे में था। तो उस समय क्या था, वो वहाँ का कमांडर था, आर्मी का जो कमांडर होता है वहाँ का कमांडर था, लेकिन वहाँ के जो इंडिपेंडेंस का युद्ध है वो ख़त्म होने के बाद उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने 1793 के अंदर एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम परमानेंट सेटलमेंट रखा गया था। इसके तहत क्या है ज़मींदारों को एक फिक्स रेन्यू यानी टैक्स के रूप में क्या देना था, एक पेमेंट जमा करवानी थी, और बदले में वो क्या है रेत से जो जिसके ऊपर खेतीबाड़ी जो फार्मर करते थे उनसे क्या है एक उनकी फसल का हिस्सा जो या कैसे भी वो क्या है चाहे वो हाफ लें 30% लें 40% लें कैसे भी कलेक्ट करके क्या है सबमिट करवाना था, जबकि गवर्नमेंट को उनको एक फिक्स पेमेंट के रूप में ही रेन्यू देना था। तो इससे उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया था क्या था कि ज़मींदार क्या है जो लैंड है उसके वो ओनर नहीं है, वो ओनर नहीं है उसके, वो उसके मालिक नहीं है, बल्कि क्या है वो तो एक कलेक्टर हैं, क्या रेन्यू कलेक्टर हैं, जो क्या है ताल्लुकदारों या रैत भी बोल सकते हो या फार्मर्स भी बोल सकते हो उनसे क्या है रेन्यू लेंगे, और किसको देंगे स्टेट्स को देंगे। लेकिन यहाँ पर ज़मींदार क्या है अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वो रैत से ज़्यादा भी ले लेते थे, बहुत ज़्यादा भी ले लेते थे उनका हिस्सा। तो इससे क्या है काफ़ी गुड इफेक्ट भी पड़े थे और बैड इफेक्ट भी पड़े थे। तो गुड इफेक्ट क्या थे, तो ये क्या था, एक तो क्या है रेन्यू का क्या था परमानेंट या फिक्स रेट था, यानी कि कम ज़्यादा नहीं देना पड़ता था। अगर किसी किसान को क्या है फिक्स ही देना पड़े कि उसको ये कहा जाए कि आपको 10,000 रुपये ये 10 एकड़ ज़मीन है और 10,000 रुपये फिक्स करना है, तो वो क्या है कोशिश करेगा कि वो उसके ऊपर ज़्यादा अन्न पैदा करे, और उसको जो प्रोडक्शन होगा अगर वो ग्रेन वो जो करेगा वो अगर ज़्यादा होती है तो बेनिफिट किसको होता है तो होता है। तो ये इसका गुड इफेक्ट भी मान सकते हैं। इट इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट, इससे क्या है एक स्टेट को क्या है जो किसी तरह के काम करने के लिए स्टेट को अपने या वेलफेयर के काम करने के लिए जो जिस पैसे की जरूरत होती है, तो ये क्या है एक स्टेट के लिए क्या है रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी था। इससे एक उनको क्या है इनकम आती रहेगी, उनको पता चलेगा कि इतनी इनकम क्या है उनको आ रही है। नेक्स्ट है इट इनेबल द एंटरप्राइजर ऑफ अर्न अ प्रॉफिट, तो यह क्या है एक लाभ कमाने का भी क्या अवसर प्रदान करता था। इसके अलावा क्या है इससे एक नई क्लास का भी जन्म हुआ, एक न्यू, जैसे जोतदार के बारे में बताया था इसमें क्या है रिच लैंड ओनर भी बोल सकते हो, गांव के अंदर ही क्या है जो अच्छा काम करवाते थे या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, क्योंकि ज़मीन क्या है ज़मींदार की तो थी नहीं, ज़मींदार तो सिर्फ क्या है वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आता था, अर्बन के अंदर रहता था। तो वहाँ पर जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी उस तरह की एक नई पीढ़ी का जन्म भी आप बोल सकते हो, जोतदार एक नई क्लास का जन्म हुआ था जिसको ह्यूमन फार्मर्स या लैंड रिच लैंड ओनर भी बोल सकते हैं। तो इट ब्रॉट एन इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, इससे क्या है एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, क्योंकि क्या है एक रैत क्या करेगा उसको क्या है फिक्स देना है, अगर रैत को पता है कि उसको फिक्स क्या है एक रेन्यू सबमिट करवाना है तो वो एग्रीकल्चर को क्या इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा कि धीरे धीरे वो क्या इंप्रूवमेंट करे, ज़्यादा पैसा उसके पास आए, अगर उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है या तो और ज़मीन खरीदने में भी कर सकता है या किसी दूसरे बिजनेस में भी कर सकता है।
तो किसी दूसरे ट्रेड में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को क्या है, इम्प्रूवमेंट मिल सकता था। इसके अलावा क्या है, एक जमींदार के अंडर में क्या है, सर्वल विलेज काफ़ी गांव होते थे, तो उसको क्या है, उस विलेज से रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था, तो पेड दिस रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो जमींदार क्या है, सभी के साथ जुड़ा तो नहीं होता था, क्योंकि अगर एक जमींदार को मान लो कि 50 या 60 गांव दे रखे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो हर रैत को जानता हो अच्छे से। तो इसलिए क्या है, वो सिर्फ सीधा एक कलेक्टर के रूप में, ये नहीं कह सकते कि अपनी जान पहचान वाले को क्या है छोड़ सकता है या दूसरे को। तो एक स्टेट के लिए क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक बिल्कुल सरल तरीका था। इट इंश्योर्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द जमींदार। तो यह क्या है, जमींदारों के लिए एक सिक्योरिटी भी पैदा कर रहा था कि उनको क्या है, सिर्फ इतना ही पैसा देना है। अगर उनकी इनकम ज़्यादा होती है तो भी क्या है, वो फिक्स सी पेमेंट उनको अदा करनी है गवर्नमेंट को, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो इससे ज़्यादा क्या है, वो अपना बेनिफिट कमा सकते हैं जमींदार भी। तो ये इसके कुछ गुड इफेक्ट थे, लेकिन वाकई में जब हम बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, तो ये क्या है, ज़्यादा दिखाई भी नहीं दिए थे कि इनके ये गुड इफेक्ट वास्तव में थे या नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट हुआ था सिर्फ कुछ ही जो लैंड ओनर्स हैं या रिच जमींदार हैं उनको हुआ था, जो रेत वगैरह थे उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। वो लगातार क्या है, डेप्थ लेते थे और उस कर्जे के नीचे लगातार दबते चले गए। तो उनको एक तो क्या रेन्यू सबमिट करवाना, एक जो उन्होंने क्या ऋण लिया है उसका इंटरेस्ट उनको क्या सबमिट करवाना। तो इन सब चीज़ों से उसके गुड इफेक्ट क्या है, फील्ड के ऊपर नहीं आए, मतलब कि ज़मीन के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। तो इसके काफ़ी ईवल इफेक्ट भी पड़े थे। फर्स्ट है, समटाइम्स द रेत फाउंड इन डिफिकल्ट टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। कई बार नहीं जमा करा सकते थे, मान लो कि फ्लड आ गई है, उनके घर में मैरिज है, कोई बीमार हो चुका है, उसके ऊपर पैसा लग चुका है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो क्या रेत क्या है, काफ़ी बार इसको जमा नहीं करवाते थे। इसके लिए क्या है, जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसकी लैंड को ले सकता था या किसी दूसरे रेत को दे सकता था। तो इससे जमींदारों का रेवेन्यू जो लेना होता था वो कम हो जाता था, जबकि उनको देना फिक्स पड़ता था। तो द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल, यह क्या है, गतिशील भी नहीं था, एक फिक्स था। अगर स्टेट को मान लो लगातार 10 साल तक आज मिल रही है और वही रेवेन्यू उसको 10 साल बाद भी मिलेगा, यानी फिक्स होगा, तो खर्चे तो क्या होंगे, स्टेट के बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो इससे क्या है, गतिशीलता नहीं मिलेगी, उसको मोबाइलिटी नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या है, जो इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी स्टेट की। अगला है, द सनसेट ला जो बनाया गया था वो काफ़ी गलत था, क्योंकि जमींदारों के लिए एक सनसेट ला, एक निश्चित तारीख तक, मान लो कि 20 तारीख दे देगी, उसके शाम 5 बजे तक या सूर्य अस्त तक है, अगर वो सबमिट नहीं कर पाता है तो उसकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, उसको नीलाम कर दिया जाएगा, किसी दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी गलत थी। मान लो कि कोई ज़मींदार किसी भी रीज़न से एक दिन भी लेट हो जाता है तो उसकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। उसको मतलब कुछ ये नहीं था कि कुछ पैसे दे करके या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि उनको क्या है चार्जेज लगा करके वो छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट, उसने क्या है रेत से जो पैसा इकट्ठा करने की जो ट्रेडिशनल चली आ रही थी जमींदारी प्रथा इंडिया के अंदर, उसको क्या है काफ़ी कुछ सीमित कर दिया था, यानी एक तरफ से ये कह सकते हैं कि उनकी पावर्स को कम कर दिया गया था। रेंट कलेक्टर वाजे पर्नियल प्रॉब्लम स्पेशली वेन द हार्वेस्ट वन, और कई बार क्या है हार्वेस्ट भी कम होती थी, मैंने बताया किसी भी कारण हो सकती है, फ्लडिंग के कारण भी हो सकती है या बारिश कम हुई है उसके कारण भी हो सकती है, अकाल पड़ा उसके कारण भी कम हो सकती है, तो किसी तरह की फसल के अंदर बीमारी भी आ सकती है। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन में कम होती तो भी क्या है रेंट कलेक्शन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि रेत के पास पैसा होता ही नहीं था बिना फसल के, तो वो दे कहाँ से। इसके लिए उनको ज़बरदस्ती क्या ज़मींदारों से ही क्या डेप्ट लेना पड़ता था या बड़े लैंड ओनर थे उनसे या रिच पीसेंट से उनसे लेना पड़ता था, इससे उन वो लगातार क्या है रनी होते चले गए। तो ये इसके काफ़ी ईवी इफेक्ट भी पड़े थे। तो आप लिख सकते हो कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो क्या कॉर्नवालिस ने क्या एक अच्छे के लिए, एक अच्छी कंडीशंस के लिए, फार्मर्स की कंडीशन के लिए, स्टेट की कंडीशन के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन यह क्या है फील्ड के ऊपर यह पॉलिसी ज़्यादा काम नहीं कर पाई, इसके गुड रिजल्ट नहीं निकले थे, और इसका जो बेनिफिट था वो सिर्फ क्या है रिच जमींदार को या रिच पीसेंट्स को या जो बड़े लैंड ओनर से उनको मिला, बाकी जो पीसेंट्स वगैरह थे, रैत वगैरह थे, किसान वगैरह थे, वो क्या है अपना क्या है लॉस ही करते चले गए और लगातार क्या है अंडर डेप्थ हो जाए गए, रन के नीचे जाते गए। तो इस तरह से क्या है जो गवर्नमेंट है अपना रिन्यू खो दिया था और उसने परमानेंट सेटलमेंट को क्या है बंगाल से बाहर स्टार्ट नहीं किया और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया था। ओके, थैंक यू।